हेलो स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ। अभी मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ जो काफ़ी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। जैसे टॉपिक है आपका सेलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि आपको सही सेंटेंस सिलेक्ट करना होता है। इसके लिए आपको एग्ज़ाम में चार सेंटेंस मिलेंगे। चार सेंटेंसेस में से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस एप्रोप्रिएट है। अब इसके लिए आप क्या रूल फॉलो करेंगे, तो बेटा थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पे अगर मैं बात करूँ, बेसिक थिंग्स पर, तो आप लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। उसके अलावा आप लोग ग्रामर के पॉइंट्स जो हैं, या ग्रामर के हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है, वो आप थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे। और इसमें भी अगर मैं बात करूं, तो ज़्यादातर जो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं वो टेंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, टेंस, उसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस यानी कि शर्त वाले जो वाक्य होते हैं, उसका भी एरर आपसे या फिर सेलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंसेस पूछा जाता है। तो आप ये इन टॉपिक्स को जो है थोड़ा सा समझे। उसके अलावा आने वाला जो मेरे सेशन होंगे, क्लास लूँगी मैं, इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपसे एरर फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा और मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करवा दूंगी। और मैं जो पढ़ाऊंगी या जो आपके टॉपिक वाइज एरर या फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाऊंगी, उसके लिए मैं आपको अपना पूरा एक स्केड्यूल आपको फॉर्मेट करके या आपको पूरा बता दूंगी कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आगे आने वाले सेशन में। और ये जो क्लासेस हैं वो आपकी लॉकडाउन का जो टाइम है उसमें चल रही हैं, जिससे कि आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे। और इसके बाद अभी जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आती है, तो आई होप जल्दी से आप लोगों की क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएँ। काफ़ी सारे बच्चे अभी कॉल कर रहे हैं कि मैम हम लोगों की क्लास कब स्टार्ट होगी। तो बेटा जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होता है, उसके बाद चीज़ें सही होती हैं, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके अलावा आपकी जो क्लासेस हैं जिस तरीके से पहले चलती थी, वैसे ही कंटिन्यू हो जाएंगी। बट हाँ, जो कोरोना वायरस जो महामारी है, पैंडेमिक डिजीज़ जो है, इसकी वजह से हमें कुछ चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करना होगा। जैसे कि आप लोग जो है हैंड वॉश, और मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बोलती भी रहती हूँ कि आप लोग क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो आपके डेली के लिए भी अच्छा है और किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं अपनी क्लास में ये सारी चीज़ें हमेशा स्टूडेंट्स को बताती ही रहती हूँ, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे और यही क्लास में भी हम आने वाले टाइम पर मेंटेन करेंगे, जिससे कि इस पैंडेमिक जो डिज़ीज़ है इससे भी हम प्रोटेक्ट रहें और हमारी जो जो लाइफ है वो वापस से स्टार्ट हो सके। ठीक है, चलिए, खैर हम बात करते हैं अभी सिलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस, जिसके अंदर मैं आपको पहला सेंटेंस दे रही हूँ और आपको चार ऑप्शन दे रही हूँ। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है या कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है। मैं बात करूं आर्मी क्लर्क के अंदर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो पहला जो सेंटेंस मैं आपसे पूछ रही हूं, दैट इज़ टू बी इंटेलिजेंट इज़ मोर एसेंशियल then being, ये पहला आपका क्वेश्चन भी है और ये पहले क्वेश्चन का आपका ए सेंटेंस है। ध्यान रखें, then being
हार्ड वर्किंग। ये सेंटेंस सही है या फिर बी एक और सेंटेंस दे रही हूँ, टू बी इंटेलिजेंट इज मोर एसेंशियल देन बीइंग हार्ड वर्किंग। और जो सी ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ दैट इज बीइंग इंटेलिजेंट इज मोर एसेंशियल देन बीइंग हार्ड वर्किंग। ये मैंने आपको तीन सेंटेंसेस दिए हैं और चौथा जो मैं ऑप्शन आपको दे रही हूँ दैट इज नन। इनमें से कोई भी सेंटेंस करेक्ट नहीं है, आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है या फिर तीनों ही सेंटेंस रॉन्ग है, इनमें कोई भी सेंटेंस जो है करेक्ट नहीं है। आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर देखें टू बी इंटेलिजेंट इज मोर एसेंशियल। अब यहाँ पर अगर मैं आपको ग्रामर का एक रूल अगर क्लियर करूँ तो थोड़ा सा आप ध्यान दें कि जब भी किसी सेंटेंस में विशेषण की बात हो, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव, मैं एडजेक्टिव की बात कर रही हूँ यानी विशेषण की बात कर रही हूँ, तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको एक ही पर्सन के दो गुणों की बात हो, दो कैरेक्टर्स की बात हो और देन से उसको कनेक्ट किया जाए, तो चाहे शब्द सिंगल सिलेबल हो या डबल सिलेबल, एक बार आपको मोर लगाना है, उसके बाद दूसरे पोर्शन में आपको मोर नहीं लगाना है, याद रखिएगा। तो ये जो ऑप्शन है इसके अंदर मैंने दोनों साइड मोर का यूज़ किया है, तो सेंटेंस यहाँ पर ये वाला मोर वाला दोनों की वजह से गलत हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन यहाँ पर हम समझें कि टू बी इंटेलिजेंट, यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत जो है टू बी से की गई है जो कि आगे बीइंग से कर दी गई है, तो दोनों में कहीं पर भी समानता नहीं आ रही है, तो हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे जो आंसर आप लोग करते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालिए जिससे मैं बता सकूं कि आप लोग कहाँ गलत हैं। उसके अलावा जब भी आप ऑनलाइन आंसर करते हैं तो आप क्वेश्चन के साथ साथ जब क्वेश्चन नंबर डालें साथ में उसको थोड़ा सा आप डिफाइन भी कीजिए कि मैम यहाँ पर क्या एरर है, ये ज़रूर बताइएगा बेटा। बाकी तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर ही कर रही हूँ कि क्या एरर है, लेकिन आप लोग जब भी कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से करेक्ट कर पाऊँगी कि बेटा आप यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा। चलिए यहाँ पर देखें टू बी इंटेलिजेंट इज मोर एसेंशियल देन बीइंग हार्ड वर्किंग। अभी अभी मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर चुकी हूँ पर मैं वापस से बता दूँ कि आपको यहाँ पर टू बी से सेंटेंस जो स्टार्ट किया गया है और यहाँ पर बीइंग का यूज़ किया गया है। और एक चीज़ और देखिए कि डायरेक्ट विशेषण के साथ टू बी से सेंटेंस यहाँ शुरू नहीं होगा और यहाँ पर दोनों में समानता नहीं बताई जा रही है, क्योंकि आप बात करो तो दोनों जो कैरेक्टर्स आप बता रहे हो दोनों सेम फॉर्म में होने चाहिए, तो ये जो है ऑप्शन है बी हमारा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा।
अब मैं बात करूँ सी ऑप्शन की, तो जो सी ऑप्शन है उसके अंदर अगर आप समझो तो बीइंग इंटेलिजेंट, ओके स्टार्ट हो रहा है, इज मोर एसेंशियल, ओके मोर का यूज़ कर दिया गया, फिर एसेंशियल वर्ड यूज़ किया है, एसेंशियल देन, फिर देखिए यहाँ पर वापस है, तो ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन में अब समानता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है यानी कि बीइंग हार्ड वर्किंग करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये आपका, बीइंग इंटेलिजेंट इज मोर एसेंशियल देन बीइंग हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पर देखिए एक और कंडीशन समझिएगा, अगर यहाँ पर पर्सन की बात नहीं होती, मतलब इंटेलिजेंट किसी व्यक्ति को ही बताया जा रहा होगा, अगर यहाँ पर्सन की बात हो रही होती तो ये जो सेंटेंस है वो बीइंग से कभी शुरू नहीं होता, तो आपको इट जरूर लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर एज अ पर्सन की जब बात हो रही है तो सेंटेंस जो है बीइंग से शुरू होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैं आपसे अभी पूछ रही हूँ, आप बताइएगा जवाब। तो एक और सेंटेंस मैं आपको अभी पूछ रही हूँ आपसे, आप लोग जवाब दीजिएगा। He wins the prize. Sentence है यहाँ पर, if he wins the prize, I would be happy. यहाँ पर sentence है, If he wins the prize, I would be happy. और एक और बी ऑप्शन दे रही हूँ, If he would win the prize, I would be happy. यहाँ पर ये सेकेंड आपका ऑप्शन है, सी ऑप्शन एक और है, इफ ही विंस द प्राइज आई वुड हैप्पी, तीसरा ऑप्शन ये है, और चौथा ऑप्शन एक और दे रही हूँ आपको, If he wins the prize, I will be happy. आपके पास ये चार sentences हैं, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर पहला जो मैं ऑप्शन की बात करूँ, इफ ही विंस द प्राइज आई वुड बी हैप्पी, तो बेटा ये कंडीशनल सेंटेंस का आपका एरर वाला कंडीशन है, या सेलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस सिचुएशन है। तो जब भी किसी सेंटेंस में अगर मैं इफ वाले सेंटेंस या इफ वाले क्लॉज की बात करती हूँ, दिस इज क्लॉज, इफ वाले क्लॉज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। तो यहां पर जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो तो आपको उसके साथ मॉडल्स के रूप में विल, शैल, कैन, इनका यूज करना होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं वुड की तो वुड का यूज नहीं होगा, तो हमारा जो सेंटेंस है फर्स्ट वाला दैट इज इनकरेक्ट। अब मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूं, इफ ही वुड विन द प्राइज, तो याद रखिएगा जो इफ वाला क्लॉज होता है जिसे हम सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं, इसके अंदर मॉडल्स का यूज नहीं होता है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैं अगर सी वाले ऑप्शन की बात करूं, If he wins the prize, अगर वो prize जीतता है, अभी जीतने के अभी action नहीं हुआ है, yes यहाँ तक ठीक है, If he wins the prize, I would happy। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से,
कि मॉडल्स के बाद हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब यहाँ पर देखें तो हैप्पी जो है वो एक एडजेक्टिव है, यानी कि हैप्पी इज अ एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण आ गया यहाँ पर हैप्पी। तो हैप्पी जो है विशेषण आ गया तो अब आप कहेंगे कि मैम हो सकता है सही? नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा मॉडल्स के जस्ट बाद में अगर आपको कोई भी नाउन या विशेषण यानी कि एडजेक्टिव या नाउन दे रखी हो तब भी आपको मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पूरा करने के लिए बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट। और वैसे भी इनकरेक्ट था क्योंकि पहले वाले में मैंने कहा कि वुड नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं बात करूँ डी ऑप्शन की, तो तीन ऑप्शन में वैसे ही एलिमिनेट कर चुकी हूँ, अब चौथा आंसर तो ऑब्वियस हो जाएगा क्योंकि इसमें नन का ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। तो यहाँ देखें, इफ़ ही विन्स द प्राइज, अगर वो प्राइज जीतता है, आई विल और विल के बाद भी मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पूरा करने के लिए क्या दे दिया बेटा? बी। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, मॉडल्स हो गए या आपके एक्टिव टू पैसिव कंडीशन जो होती है उसमें बी की फॉर्म्स को यूज़ में लिया जाता है, बी बीन बीन, बी इज़ अ वी वन और सेकेंड फॉर्म बीन और थर्ड फॉर्म बीन। तो मॉडल्स के बाद अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव है तो हमको बी लगा देना है, और यही कंडीशन जो होती है वो एक्टिव से पैसिव के वक्त भी काम आती है, क्योंकि जब पैसिव हम बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसके अंदर जब पैसिव बनाना होता है मुझे आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो मैं क्या कर देती हूँ कि बी की फॉर्म को ही आईएनजी में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से, और बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, तो फर्स्ट फॉर्म को पूरा करने के लिए बी को लगा दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसे बी फोर भी कहते हैं। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। तो बेटा मैं एक और सेंटेंस आपको दे रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि पहला जिसका सेंटेंस आपको दिख रहा है, आर स्कूल वुड हैव वॉन द मैच इफ ओनली वी हैव कंसेंट्रेटेड, ये आपका पहला सेंटेंस है और पहला ऑप्शन है कि भाई ये सही है या फिर ये जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। देखिए जिन बच्चों ने ग्रामर को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वो जितने भी पोर्शन मैं पढ़ा रही हूँ उसके अंदर जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो आप लोग समझते जाइएगा कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चंस के थ्रू भी ग्रामर के काफ़ी सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश के लिए आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें तो आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट अच्छा, यानी कि आपका इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश आपका अच्छा हो जाएगा। तो चलिए एक और ऑप्शन दे रही हूँ आपको मैं, अगला ऑप्शन है आर स्कूल वुड हैव वॉन द मैच इफ ओनली वी हैड कंसेंट्रेटेड। इसके अलावा जो सी ऑप्शन दे रही हूँ, दैट इज आर स्कूल वुड वॉन द मैच इफ ओनली वी हैव कंसेंट्रेटेड। और एक और सी ऑप्शन दे रही हूँ, देखिए बेटा अगर मैं पहला आपको सेंटेंस दे दिया है
तो आप भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक्टिव से पैसे पढ़ाती हूँ, नरेशन पढ़ाती हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि बेटा जब भी आप एक्टिव टू पैसिव या नरेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपनी चीज़ों को ध्यान रखो कि मुझे इसके अंदर करना क्या है। अब सेंटेंस अगर आपको मिल गया तो आप फटाफट उसका पैसिव जो है अपने पेज आपको जो मिलता है एग्जाम में उसके उस पेज के ऊपर फटाफट आप लोग उस क्वेश्चन के थ्रू जल्दी से उसका आंसर लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप तीन जो ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन हैं, उनको अगर आप पढ़ोगे तो टाइम ज़्यादा लगता है ना। जब आपको अपना रूल क्लियर है, टॉपिक क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हो कि सेंटेंस हमको बस पढ़ना है, यानी कि क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन अगर पढ़ लिया तो फटाफट उसका एक्टिव से पैसिव है, नरेशन है, जल्दी से उसका आंसर लगा दिया। हाँ, ऑप्शन वाइज आप कब पढ़ेंगे, यानी कि जब अपन को कोई चीज़ बहुत लेंदी तरीके से दे रखी हो तो आप ऑप्शन से देख के कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चीज़ें क्लियर हैं तो फटाफट आपको बस आंसर लगा। जैसे मैथ्स के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप सबसे पहले आपका मैथ का टीचर क्या कहता है, मैथ का टीचर कहता है कि आप क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए और चार ऑप्शन लगाइए। इनकेस कोई ऐसी डिजिट आ जाए जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही हो या टफ लग रही हो या जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर उस टाइम पे आप कर सकते हैं ऑप्शन को देख के। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी वही चीज़ कि अगर आपको अच्छे से क्लियर है, जैसे कि मैंने पहला अगर सेंटेंस दे दिया, अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस थोड़े से क्लियर हैं तो आप जल्दी से आंसर इसका बता सकते हैं कि क्या बनेगा। तो मुझे चारों सेंटेंसेस जो हैं या बाकी के सेंटेंस जो है मुझे पढ़ने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप बताइए चौथा सही है या फिर जो आपको तीन बता चुकी हूँ उनमें से सही है। कई बच्चों का जवाब भी आ गया होगा कि क्या सही है। चलिए तो इसमें भी बेटा कंडीशनल सेंटेंस, जैसा कि मैंने कहा आपको अभी कि कंडीशनल सेंटेंस की सिचुएशन फॉलो करनी है, तो ये पहले मैं कंडीशन आपको समझा दूं बेटा। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई काम अगर हो गया, यानी जिसको आप वापस से समझा नहीं सकते, जिसके ऊपर आप वर्क नहीं कर सकते, जैसे वही एक हिंदी का आपका डायलॉग है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन खुलेगा और हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे, है ना, और एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, क्योंकि अभी मार्च वाला पेपर नहीं हुआ है, तो काफ़ी बच्चे ऐसा ही सोच रहे होंगे, आराम से इंजॉय कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जब हमारा मतलब टाइम या हमको पता चल जाएगा कि अब एग्ज़ाम है तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अभी से क्या करना है, स्टडी करनी है अपनी, क्योंकि ये तो फिक्स है बेटा कि आपका एग्ज़ाम तो होगा ही। तो यहाँ पर भी वही आप लॉजिक समझिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस में अगर आपको देखें तो सेंटेंस में दिया होगा कि कंडीशन जब हो जाए तो, यानी कि जो काम हो गया उसको अब हम बदल नहीं सकते, समय चला गया अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप पास्ट परफेक्ट की कंडीशन में बनाएंगे। मतलब कि क्या होता है बेटा, इफ़ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हेड और हेड के बाद में, आपको ये ध्यान रखना मैंने कहा कि हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगानी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर जो दूसरा जो क्लॉज बनता है उसके अंदर आपको सिचुएशन लगानी है, सब्जेक्ट वुड शुड कुड, ये जो मॉडल्स होते हैं वो मॉडल्स लिख देती हूँ बेटा यहाँ पर मैं, आपको वो लगाने हैं, उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में बेटा हैव, और हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैं वापस बोल रही हूँ, ये स्ट्रक्चर आपको तब फॉलो करनी होती है
जब समय चला गया उसके बाद उस एक्शन को आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और अगर मैं आपको पिछला सेंटेंस दिखाती हूँ जिसके अंदर मैंने आपसे पूछा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके अंदर वही रूल फॉलो हो रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, आर स्कूल वुड हैव वॉन द मैच, मतलब जीत तो सकता था, मतलब हार गया मैच, है ना। तो यहाँ पर जो कंडीशन है ये मैंने पास्ट परफेक्ट की बताई, वही फॉलो होगी। तो अब ध्यान रखिएगा, क्या वुड के बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर वो रूल है जो मैंने अभी समझाया था, नहीं है बेटा, इफ़ ओनली वी हैव कंसंट्रेटेड, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला गया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। अब बी ऑप्शन की बात करूँ, आर स्कूल वुड हैव वॉन द मैच If only we had concentrated, तो देखिए would के बाद have लगाया और have के बाद मैंने third form, the match, if only we had concentrated, ये हो सकता है अपना answer। तो यहाँ पर बात करूँ अब, our school would have won the match, would के बाद में कभी भी verb की third form नहीं लगेगी, तो ये option देखते ही अब काट दो। अब यहाँ पर देखिए, आर स्कूल वुड विन द मैच इफ ओनली वी हैव कंसंट्रेटेड, वुड लगाया फिर यहाँ हैव लगाया, ये भी रूल कंफर्म नहीं होगा। अगर वुड लगाया तो यहाँ मुझे पास्ट लगाना होता, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या बेटा, बी। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप जल्दी से जवाब दीजिए। तो बेटा अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, माई सिस्टर हैड लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक, ये सेंटेंस है। अब कुछ बच्चे इसको सेंटेंस को बहुत जल्दी से सॉल्व कर देंगे, यस आंसर दीजिए जल्दी से फिर मुझे कि कौन सा ऑप्शन आपका चार सेंटेंसेस में से यानी करेक्ट होगा, कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो अब मैं कंडीशन आपको समझा देती हूँ कि बेटा जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट वीक, यहाँ पर जैसे कि लास्ट वीक लिखा हुआ है, आप इसको बस ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ये मिल जाए या फिर यस्टरडे मिल जाए, ये एडवर्ब है बेटा, टाइम को बताने वाली एडवर्ब कहलाती है। तो एडवर्ब मिल जाए तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट। अब तो सबका आंसर आ गया होगा, जल्दी से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए हैड पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता आंसर, बी ऑप्शन हैज़ बीन लेफ्ट नहीं हो सकता, और वैसे भी बीन लेफ्ट माय सिस्टर ही है तो वैसे ही सेंटेंस गलत है ये, क्योंकि बीन की ज़रूरत नहीं था यहाँ पर, और वैसे इसको ध्यान में रखें तो पास्ट परफेक्ट नहीं यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ नहीं होगा। यहाँ देखिएगा माय सिस्टर हैज़ लेफ्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया गया, जब ये गलत है तो ये भी गलत है, और ये बीन वैसे ही नहीं लगेगा। फोर्थ ऑप्शन देख लें, माय सिस्टर लेफ्ट फॉर अमेरिका, तो करेक्ट हो जाएगा आंसर, माय सिस्टर लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अगला एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा जो है उसके अंदर ऑप्शन सही होगा। आप लोग थोड़ा सा जवाब जो है जल्दी जल्दी देते जाइएगा। एक और सेंटेंस है यहाँ पर सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, क्या कंडीशन है, इट इज़ हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग। अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ग्रामर का रूल फॉलो हो रहा है, ग्रामर में भी टेंस का रूल, क्या कि जब भी किसी सेंटेंस में इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ अबाउट टाइम, ये इससे रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया, और आप लोग ध्यान रखें। तो नेक्स्ट इसी के अंदर देखिएगा पॉइंट, अगर इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम, अगर ये आए तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखें, अगर ये आए तो आपको वापस से बोल रही हूँ सिंपल पास्ट टेंस फॉलो करना है। किसको देखना है, मतलब
इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम और इट इज़ टाइम। तो इसके अंदर यही पॉइंट है कि इट इज़ हाई टाइम। तो पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा भी कट जाएगा, सिंपल प्रेजेंट नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा? सी ऑप्शन, और रेड इज डेंजरस, तो डी ऑप्शन कट जाएगा। तीनों सेंटेंस गलत नहीं है, एक सही सेंटेंस है और कंडीशन ये वाली है। चलिए तो एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेती हूँ, आप बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा आपका, और देखिए क्या सही है या फिर गलत। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है यहाँ पर एक और कंडीशन भी आप समझिएगा। इट इज़ अ प्लेजर टू सी एन एलिगेटर बास्किंग इन द सनशाइन ऑन अ रिवर बैंक एज लॉन्ग एज 90 feet। अब बच्चे कहेंगे कि मैम इतना बड़ा सेंटेंस है, इसके अंदर हम क्या ग्रामर का रूल लगाएं, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। तो बेटा पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है, कैसे? मैं पहला ही ऑप्शन आपको उठा के बता रही हूँ एक एक चीज़। इट इज़ अ प्लेजर टू सी, यहाँ तक ये बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है? ये एक मेरी खुशकिस्मती है या फिर मेरे लिए ये अच्छा है। क्या अच्छा है? टू सी, देखना एक घड़ियाल को धूप सेकते हुए, बास्किंग इन द सनशाइन, धूप सेकते हुए, आराम करते हुए धूप में, ऑन अ रिवर, यहाँ तक ये सेंटेंस ठीक है। अब देखें, ऑन अ रिवर बैंक एज लॉन्ग एज 90 feet। अब इसमें बहुत ही छोटी सी चीज़ें अगर हम फोकस करें तो मैं आपको समझा दूँ कि इसके अंदर एडवर्ब का रूल फॉलो हो रहा है। कैसे? एडवर्ब में अगर आपने पढ़ा हो मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक है, मैनर यहाँ नहीं है, किसी काम को करने का तरीका नहीं है, प्लेस भी नहीं, प्लेस है, टाइम नहीं है, तो हम इन दोनों को हटा देते हैं, सिर्फ बात करते हैं किसकी? प्लेस की। क्योंकि रिवर मतलब नदी के किनारे, और कितनी दूरी पे? 90 feet की दूरी पर वो मतलब धूप सेक रहा है, और ये बहुत अच्छी बात हो गई। तो अब इसके अंदर प्लेस, फिर कहेंगे कि मैम कैसे? तो एक मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊं प्लेस की, यहाँ बेटा सिचुएशन है। कैसे? इसके अंदर आप ध्यान दें, प्लेस की सिचुएशन क्या कहती है कि पहले आप छोटी जगह लिखो, फिर बड़ा प्लेस यानी कि बिग प्लेस की बात। अब छोटा बड़ा का मतलब क्या? जैसे कि आप कभी अपना एड्रेस लिखते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? अपना मकान नंबर, पहले सबसे पहले अपना नाम, मकान नंबर, गली नंबर, फिर शहर, और फिर स्टेट यानी कि राज्य, और फिर आप देश लिखते हैं। कभी ऐसा तो नहीं करते पहले कंट्री लिख दी और फिर आपने क्या लिख दिया? स्टेट और सिटी, उल्टा तो नहीं करते? यानी पहले छोटी जगह, पहले अपना नाम के बाद अपना मकान नंबर आपने लिखा, फ्लैट नंबर लिखा। वही चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। क्या? कि पहले नदी का किनारा 50 feet तो नहीं हो सकता, तो 50 feet जो जगह है, डिस्टेंस है, प्लेस है, वो छोटा है और नदी का किनारा बड़ा है। तो इस सेंटेंस में ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। क्या दूसरे सेंटेंस में ऐसा है? देखते हैं। इट इज़ अ प्लेजर टू सी, अब मैंने टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये सेंटेंस वैसे ही गलत हो गया, आगे कुछ देखना ही नहीं है आपको। सी ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ अ प्लेजर टू सी एन एलिगेटर बास्किंग एज लॉन्ग एज 90 feet इन द सनशाइन ऑन अ रिवर बैंक। तो यहाँ पर जो सेंटेंस ये होगा सी, वो आपका अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसमें टू सी भी है, एनी एलिगेटर बास्किंग एज लॉन्ग एज 90 feet, पहले जगह की बात हो गई कि वो कितनी दूरी पर, मतलब 90 feet की दूरी पर, इन द सनशाइन ऑन अ रिवर बैंक, नदी के किनारे वो धूप सेक रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा फिर सी। चलिएगा एक और देख लेते हैं सेंटेंस। एक और सेंटेंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा।
क्या हो सकता है? यहाँ पर देखें, द विलेजर्स वर एंजॉइंग विंटर इवनिंग अराउंड द फायर. द विलेजर्स वर एंजॉइंग विंटर इवनिंग, शाम जो है, सर्दी की जो शाम है, वो आग के अराउंड द फायर, मतलब आग के चारों ओर विलेजर गांव वाले इंजॉय कर रहे हैं, मतलब सेक रहे हैं, अपने हाथ सेक रहे हैं. तो यहाँ पर अराउंड द फायर, जैसे गांव में बैठते हैं लोग चारों तरफ आग जला के बीच में, और चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं. तो चलिए, ये सेंटेंस हो सकता है सही, क्योंकि विलेजर्स भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ये कंडीशन भी है, विंटर इवनिंग ये भी कहा है. तो आपको देखो कि यहाँ पर जो है टाइम भी दे दिया, कंडीशन भी सही है. अब यहाँ देखिए, द विलेजर्स वर एंजॉइंग विंटर इवनिंग अराउंड अ फायर. फायर से पहले ए का यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा. अब अगला देखते हैं, द विलेजर्स वर एंजॉइंग विंटर इवनिंग और विंटर इवनिंग फायर, शाम की आग जो है, ये भी सेंटेंस सही नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया. अगला देखते हैं, द विलेजर्स वर एंजॉइंग विंटर इवनिंग राउंड फायर. राउंड फायर भी नहीं सही होगा. तो सही सेंटेंस हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अराउंड द फायर. देखिए, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन ही हैड लॉस्ट द बुक ही सर्च्ड इट एवरीवेयर. अब देखिएगा यहाँ पर कंडीशन व्हेन की है बेटा, और व्हेन कहता है, मैं इसको आपको देखना है, चारों सेंटेंस में व्हेन है, बस आपको व्हेन की कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब भी सेंटेंस में व्हेन आए तो व्हेन के जस्ट बाद आपको याद रखिएगा सिंपल पास्ट यूज करना है. इस साइड हो सकता है सिंपल पास्ट, दूसरा स्ट्रक्चर, पास्ट कॉन्टिन्यू भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है. मैं वापस बोल रही हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यू, पास्ट परफेक्ट हो सकता है. अब इसमें भी समझिएगा, पास्ट परफेक्ट तभी होगा जब इस वाले एक्शन से पहले कोई काम हुआ हो. लेकिन इस सेंटेंस में अगर बात करूँ तो पहला जो ऑप्शन है, जैसा कि व्हेन ही हैड लॉस्ट द बुक ही सर्च इट एवरीवेयर, तो व्हेन के जस्ट बाद मैंने कहा सिंपल पास्ट, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. व्हेन ही लॉस्ट द बुक, जब उसने अपनी बुक को खोया, ही सर्च्ड इट एवरीवेयर, उसने उसको फिर क्या किया, ढूंढा, इट एवरीवेयर. ये हो सकता है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट भी है, इधर भी सिंपल पास्ट है. अगला एक बार और ऑप्शन देख लेते हैं. व्हेन ही लॉस्ट द बुक ही सर्च्ड फोर. अब यहाँ पर फोर का जो यूज है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि उस बुक को यहाँ पर वापस से नहीं बताया गया किसके लिए सर्च किया उसने, उस बुक के लिए इट एवरीवेयर, और सर्च के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फोर भी यूज़ होता है. यहाँ भी सिंपल पास्ट, यहाँ भी सिंपल पास्ट, कंडीशन भी फॉलो हो रही है. चलिए, इन दोनों में अगर बात करें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन की वजह से, ये वाला अप्रोप्रिएट है क्योंकि फोर लगा हुआ है. अगला ऑप्शन व्हेन ही हैड, हैड लगा हुआ है, तो ये आंसर एलिमिनेट हो जाएगा. ए और डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं. बी और सी में बात करूँ तो सी अप्रोप्रिएट है, बिकॉज प्रीपोजिशन सर्च के साथ जरूर लगता है. तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, सी. इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते थे, दो एक्शन है यहाँ पर, पहले एक बुक खोई, फिर उसने उसको खोजा. तो ये जो बुक खोने वाली कंडीशन है, इसको आप पास्ट परफेक्ट में अगर बनाते, सेंटेंस को ऐसे बनाते, ही हैड लॉस्ट द बुक, ही हैड लॉस्ट द बुक, अब व्हेन को यहाँ पर लगा देते, व्हेन ही सर्च्ड फॉर इट एवरीवेयर, तो सही हो जाता, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में और ये पास्ट परफेक्ट में. तो यहाँ पर जब व्हेन की कंडीशन यूज़ हो, तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन के जस्ट बाद आपको सिंपल पास्ट लगाना है, जैसा मैंने कहा, और या फिर आपको एक चीज़, पास्ट परफेक्ट भी अगर लगाओगे तो पास्ट परफेक्ट हमेशा उस कंडीशन में लगता है जब दो काम में, एक काम पहले और एक काम बाद में, जो पहले काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो बाद वाला काम होता है वो सिंपल पास्ट में बनता है. तो ऐसे बना सकते हो, पर हमारे पास ऐसी कंडीशन है नहीं, यहाँ पर सिंपल दिया हुआ था, तो उस वजह से आपका सिंपल पास्ट फॉलो हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी.
चलिए एक और क्वेश्चन आपको हम पूछ लेते हैं आपसे, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा। देखें अगली कंडीशन, यहां पर एक और सेंटेंस है, दिस वॉज द आइडियल बुक अवेलेबल इन द मार्केट, दिस वॉज द आइडियल बुक अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, हो सकता है ये सेंटेंस। अब अगली कंडीशन देखें, दिस वॉज द मोस्ट आइडियल बुक, दिस वॉज द मोस्ट आइडियल। अब आप देखिए आइडियल के साथ में कभी भी मोस्ट का यूज नहीं होता है, जैसे परफेक्ट के साथ नहीं होता है, राउंड के साथ नहीं होता है, एक्सट्रीम के साथ मोस्ट का यूज़ कभी नहीं होगा, तो आपको नहीं करना है यहाँ पर यू। इस वजह से बी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, बी आंसर नहीं हो सकता है। अब मैं अगर सी की बात करूँ, दिस वॉज द मोस्ट आइडियल, यहाँ पर भी यही कंडीशन, क्या पहला वाला ऑप्शन सही हो सकता है या डी? पहला वाला सेंटेंस बेटा सही है। मैंने ये कहा कि मोस्ट का यूज़ मत करना, ये थोड़ी कहा कि आइडियल से पहले आर्टिकल मत लगाना। आर्टिकल तो लग सकता है ना बेटा, और कंडीशन भी डिनोट हो रही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये विशेषण की कंडीशन थी जो थोड़ा सा आपको एक्सट्रीम है, परफेक्ट है, आइडियल है, राउंड है, स्क्वायर है, इनके साथ कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री क्यों नहीं लगती है, उसका भी रीज़न है बेटा, क्योंकि ये पहले से अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये एज अ सुपरलेटिव डिग्री की तरह ही वर्क करते हैं, इस वजह से इनसे पहले मोस्ट का यूज़ करना एप्रोप्रिएट नहीं होता है। चलिए अब एक और कंडीशन यहाँ पर देख लें, एक और सेंटेंस जिसके अंदर कहा गया है आपसे, सेंटेंस जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सेंटेंस कह रहा है एन वन आइड मैन वॉज सीन रोमिंग इन द स्ट्रीट। अब देखिएगा इसके अंदर आर्टिकल की कंडीशन ओ एन ई, अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वन, तो मतलब क्या आ रहा है, साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का, तो जब साउंड कॉन्सोनेंट का है तो ए का यूज होगा, एन का नहीं। बस देखते यहाँ पर ये काट दिया आंसर, ए मतलब एस ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, ये हो सकता है ये या फिर ये। अब ये देखते हैं, अ वन आइड मैन वॉज सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट, यहाँ पर सेंटेंस ये लिखा है। ओके, अ वन आइड मैन वर, अब देखिए वन आइड मैन की बात हो रही है और वर लगा है, ये तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल ब्रेक हो रहा है, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यहाँ प्लूरल लगा दी तो हमारा सी ऑप्शन हट जाएगा। अब डी की बात करो, अ वन आइड मैन वॉज सीइंग, याद रखिएगा बेटा सी जो है वो एक ऐसी वर्ब है जिसका आईएनजी फॉर्म आप लोग नहीं बनाएंगे अगर सब्जेक्ट दे रखा हो तो, क्योंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है याद रखें, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो इस वजह से सीइंग नहीं होगा। जल्दी से जवाब दें, तो फिर अब बचा क्या, बी आंसर। क्लियर है, आज जितना भी मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं उनके अंदर क्या रूल फॉलो हो रहा था, वो कंडीशन आपको समझाई, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें, और आगे आने वाले सेशन पे मैं आपको और टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करूँ।